हाय गाइस, मैं हूँ आप सबकी प्यारी प्रिया। आप सभी का स्वागत है प्रिया होम किचन में। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ वेज सोया चंक्स पुलाव, जो इजी रेसिपी है, जो घर की सामग्री से ही बन जाएगी गाइस। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम गैस चालू करेंगे, पैन को गर्म होने देंगे। अब ये हम घर पे ही पुलाव मसाला बनाएंगे, जिसमें अब हम लेंगे इलायची जो मैंने ली है, थोड़ी सी दालचीनी, लवंग और बड़ी सौंफ, जिसे हम हल्का सा भून लेंगे। सिर्फ ये हमें चार ही चीज चाहिए पुलाव के लिए, जो धीमी आंच पे हम अच्छे से थोड़ा रोस्ट करेंगे। अभी ये हमारा हो चुका है गाइस गरम। अब हम इसे ठंडा करने के लिए प्लेट पे रखेंगे। ये ठंडा हो रहा है तब तक हम सोया चंक्स को बॉईल कर देंगे। हम पानी डालेंगे इसमें, 3 ग्लास में पानी ले लेंगे, 2 हरी मिर्च काटी हुई, जिंजर थोड़ा सा और 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे और इसे बॉईल होने देंगे हम। जैसे ही हमारा पानी बॉईल होएगा हम इसमें सोया चंक्स डालेंगे, मिक्सी जार लेंगे, इसमें हम जो हमने रोस्ट किया था मसाला हम पीस लेंगे। ये हमारा पीस के हो चुका है, जो हमें ऐसा चाहिए, बारीक चाहिए हमें। अब ये हमारा बॉईल हो चुका है, अब इसमें हम सोया चंक्स डालेंगे। आपके हिसाब से ले सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो। इसे हम बॉईल होने देंगे। अब ये हमारा हो चुका है, अब इसको हम छान लेंगे। अब हम गैस चालू करेंगे, पैन को गर्म होने देंगे। इसमें हम डालेंगे ऑयल, आप चाहो तो घी, अमूल बटर आप ले सकते हो, मगर ये मैंने ऑयल लिया है, जो यहाँ पे मैंने लिया है 3 टीस्पून ऑयल। बड़ी इलायची डालेंगे हम, 1 टीस्पून जीरा लेंगे हम और अदरक और लहसुन बारीक चॉप किया हुआ लेंगे हम, जो इसमें हम डालेंगे। अब थोड़ी सी हींग चुटकी और ये मैंने 3 ऑनियन लिए है, जो मैंने ऐसे लंबे कट किए हुए हैं, आप आपके हिसाब से ऑनियन ले सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो। हम इसे अच्छे से भूनेंगे तेल में। ये हमारा गल जाना चाहिए, ऑनियन जैसे गल गया फिर हम बाकी के सामग्री सब इसमें ऐड करेंगे। हमें 5 मिनट तक ऐसे ही रहने देना है। अब ये हमारा गल चुका है, अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, जो मैंने बारीक चॉप किया है, मैंने ये 2 टमाटर लिए हैं। अभी ये मैंने मटर लिए है, जो मैंने 1 वाटी लिया है मटर, इसे भी हम अच्छे से तेल में भूनेंगे। ये मैंने बटाटा लिए, मैंने बड़े बटाटा लिया है, जो मैंने 2 लिया है, इसको मैंने अच्छे से धो के धोया है, फिर अब हम इसमें डालेंगे। आप आपके हिसाब से 2-3 ले सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो। इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे इसमें। अब ये सोया चंक्स था जो हमने बॉईल किया था, वो हम इसमें ऐड करेंगे। गैस हम धीमी कर देंगे, स्लो आंच पे भूनेंगे। अभी से मैंने 1 टीस्पून हल्दी ली है और 2 टीस्पून हम लेंगे धनिया जीरा पाउडर। और 1 टीस्पून मैंने लिए कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी तीखी वाली भी ली है मैंने,
हाफ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, मसाले में अच्छे से भूनेंगे इसे हम 2 मिनट के लिए। अब ये जो मसाला हमने पीसा था वो हम 1 टीस्पून डालेंगे। मैं और थोड़ा सा लेती हूँ, इसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे हम। इसको 2 मिनट के लिए हमें इसे भूनना है। आप चाहो ना तो फिर ये सब्जी भी बन सकती है आपकी। सिर्फ हमें ये जो फुला मसाला वो नहीं डालना है, हमें इसमें गरम मसाला डालना है। और इसमें गाजर, बीन्स, फ्लावर सब आप डाल सकते हो इसमें, तो आपकी एक सब्जी हो जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे पानी। यहाँ पे मैं 3 ग्लास पानी डालूंगी। जैसे हमारा ये बॉईल होगा पानी, इसमें हम डालेंगे राइस, बासमती राइस जो मैंने आधा घंटा भिगा के रखा था। अब मैं इसे अच्छे से वॉश करके पानी निकाल के इसमें डालूंगी। अभी ये हमारा बॉईल हो चुका है पानी। अब हम इसमें डालेंगे राइस जो मैंने 1.5 बाटी राइस लिया है, 1.5। अब हम इसमें डालेंगे, अच्छे से मैंने धो के लिया है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढक के धीमी आंच पे पकने देंगे। और हम घर के नॉर्मल चावल भी ले सकते हैं, बासमती नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। तो अभी धीमी आंच पे हम इसे 15 मिनट पकने देंगे। अभी इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे जो मैंने सब्जी पहले की थी उसमें ही डालना था मगर मैं भूल गई, तो हम इसे ऊपर से डाल देंगे अच्छे से क्रश करके। आप सब्जी के टाइम पे ही डालना। अब इसको हम पकने देंगे। अभी ये हमारा पक चुका है, अब हम गैस बंद करेंगे और सर्व करेंगे इसे। ठंडी में तो बहुत अच्छा लगता है गरम गरम खाने के लिए। तो आप सभी इसे ट्राई कीजिए गाइस।